सीएससी नूरपुर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के दौरान दो युवकों ने स्वास्थ्यकर्मी से गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे गुस्साए स्वास्थ्यकर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बताते चले कि नूरपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान टीका लगवाने आए दो युवकों ने स्वास्थ्यकर्मी महिपाल के साथ मारपीट की, साथ ही कोरोना वैक्सीन की डोयल भी तोड़ डाली। स्वास्थ्यकर्मियों ने आरोपी युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक आरोपी युवक प्रशांत यादव निवासी ग्राम मंगोलपुरा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अभी फरार है। टीएससी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने हड़ताल करने की चेतावनी देते हुए आरोपी युवक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना क्या है कि मैं शाम के समय लगभग 4:30 बजे के आसपास इधर बैठा हुआ था, जिसमें कोविड की वैक्सीन रखी हुई। दो व्यक्ति आए और मुझसे जबरदस्ती कहने लगे कि हमारी कोविड की वैक्सीन लगवा दीजिए। मैंने कहा भैया ये ऐसे वैक्सीन नहीं लगती है। आज हमारे यहाँ कैंप जूनियर हाई स्कूल थाने के पास नूरपुर में लगा है, आप वहाँ जाके लाइन लगाएं वैक्सीन लगवाइएगा। तो कहने लगे कि जब तुम यहाँ के प्रभारी हो और उसको वोट देने देते तो वैक्सीन तो तू ही लगाएगा। और हम हो गए परेशान बहुत सारे। मैंने भैया यहाँ वैक्सीन नहीं लगेगी, इतना कहने के बाद में उन्होंने मेरे साथ में मारपीट करनी स्टार्ट कर ली। वहाँ पे जो वैक्सीन कैरे रखे हुए थे, रिकॉर्ड्स रखा हुआ था, फाड़ दिया उस चीज़ को। और फिर उसके पश्चात सर मुझे यहाँ से घसीटते हुए दोनों लोगों ने ऐसा मारा, उस गेट तक ले गए कि मुझे देख लीजिएगा मेरे यहाँ आया, यहाँ फ्रैक्चर है मेरे, यहाँ पे एक चीज़ सुआनामा कोई चुभाई गई है सर। और ये देखिएगा मेरे पैर में कुछ ऐसा था कि उन्होंने कोई ये मतलब होता ना ये साइलेंसर टाइप की जो पट्टी होती है वो मारी है, इसमें फ्रैक्चर है सर। और पूरे शरीर में हर जगह गुम चोटें आई हुई हैं। ठीक है जी, तो अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि जो दोनों मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक तो प्रशांत है वो गिरफ्तार हो चुका है, एक दूसरा जो है जिसका नाम पता चला है कि वो शिवम गुज्जर गांव मंडोरा का रहने वाला है, तो उसको भी पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा जाए और मुझे न्याय दिया जाए। और साथ साथ ये घटना जो मेरे साथ घटित हुई है आगे से लोगों को ऐसे शरारती लोगों को ज्ञात हो जाए कि मेरे अलावा मेरे स्वास्थ्यकर्मियों के साथ भी घटना करने से कोई पहले हज़ार बार सोचे। और इसके लिए मैं अगर नहीं गिरफ्तार होता है वो व्यक्ति तो दो दिन तक के लिए हमने पुलिस को निवेदन किया है, उसके पश्चात हम पूरा जिले से अपनी संयुक्त परिषद से उसमें निवेदन करूँगा और उसमें वो मेरे साथ में आएंगे।